बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल राइट विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। इसके तमाम क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, इनमें हमने ऑप्शन जो सा करेक्ट है उसको हमने मार्क करना है, टिक लगाना है और पुट करना है। जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमने राइट भी करना है। नंबर वन है, जू इज द प्लेस ऑफ डैश इम्पोर्टेंस। अब हिस्टोरिकल, डेली लाइफ, रिलीजियस, नेशनल, इसमें डेली लाइफ इसको टिक करना है और इसको यहाँ ब्लैंक में राइट भी करना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर टू, बादशाही मस्जिद इज द प्लेस ऑफ डैश इम्पोर्टेंस। डेली लाइफ, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, नेशनल, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। बादशाही मस्जिद इज द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट पेज पे नंबर थर्ड है, विच वन इज आवर रिलीजियस प्लेस। नीचे फोर ऑप्शन में से हमने देखना है कि कौन सी हमारी मजहबी प्लेस है। इसमें नंबर वन पे खाना काबा है, टू पे मीनार ए पाकिस्तान, टॉम्ब ऑफ कायदे आज़म, टॉम्ब ऑफ किंग जहांगीर। इसमें रिलीजियस प्लेस खाना काबा है, इसको आपने टिक करना है। नंबर फोर है, विच वन इज आवर नेशनल मोन्यूमेंट, ये कौन सी हमारी कौमी यादगार है। बादशाही मस्जिद है, लाहौर म्यूजियम है, शालीमार गार्डन है, मीनार ए पाकिस्तान। मीनार ए पाकिस्तान को आपने टिक करना है। नंबर फाइव है, टॉम्ब ऑफ कायदे आजम इज प्रेजेंट इन, कि कायदे आजम का मकबरा मौजूद है इस्लामाबाद में। नंबर वन ए ऑप्शन है, नंबर बी है लाहौर, सी मुल्तान, डी कराची। कराची में कायदे आजम का टॉम्ब यानी कि मकबरा है, कराची को आपने टिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपने लर्न भी करना है और इसको सॉल्व भी करना है। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट।